जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर से इस समय की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर टिकट को लेकर लगातार जम्मू में यहाँ पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ जो है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज फिर से आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं वो बीजेपी के ही खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो है वो एमएलए की जो टिकट है वो राजीव शर्मा जी को दी गई है। लेकिन समर्थक यहाँ पर बीजेपी के साथ तौर पर ये कहते हुए कि राजीव शर्मा जो है वो नहीं चलेंगे, ना जाने क्या वजह है। लेकिन लगातार बीजेपी से नाराज जितने भी समर्थक हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? सर हमें हमें लोकल नेता चाहिए, सांबेगा जो बाहर है हमें नहीं चाहिए, बाहर का नेता हमें लोकल पाएंगे तो किसी को बना दो जो हमारी बात सुनता है, हमारा काम करेगा, बाहर का नेता बना देते। क्यों जीतने के बाद मिलते नहीं है, क्या करना है ऐसे नेता को? किसको टिकट मिलनी चाहिए? मारे किसी में पांच नरेंद्र सिंह किसी को मिल जाए, सांबका कोई भी मिल जाए, किसी लोकल बंदे किसी को भी मिल जाए, पांच बंदे हैं किसी को भी मिल जाए। राजीव शर्मा जी जिन्हें टिकट मिले पहले आपने कभी देखा? नहीं चाहिए, बाहर का बंदा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बंद किया इधर तो है नहीं कोई, यहाँ आगे आगे चूर सब अंदर है, अभी आ रहे बाहर, सब आएंगे बाहर, अभी हम गेट भी तोड़ेंगे, आएंगे क्यों नहीं? आप बीजेपी से? हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कितनी देर से? हमें 20 साल हो गया कहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जैसे कितनी देर से बीजेपी के साथ जुड़े हैं? देखो सर, अगर 5 मिनट का टाइम है, अगर नहीं आता कोई बीजेपी का नेता बाहर तो हम गेट ही उखाड़ देंगे। ये बता दें इनको जल्दी बाहर आए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप इतने नाराज क्यों हैं, गुस्से में? नाराज क्यों हैं, क्योंकि हमारी कांस्टिट्यूएंसी में दूसरी कांस्टिट्यूएंसी से उठा के कैंडिडेट घोषित कर दी अर्जीत शर्मा, नहीं चाहते। पहले हमारी कांस्टिट्यूएंसी में थोड़ा एरिया था जैसे हरा चौकी चोरा साथ था, तो उस टाइम हमने उनको मंत्री देवेंद्र राम जी ने हेल्प बना दिया। अभी बात नहीं है कि वो कैंडिडेट घोषित कर, ऐसे सिफारिश लेते एमपी साहब ने किया है, महेंद्र राणा ने किया है, अशोक कोल ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ दिल्ली से फैसला ले, अभी तक बाहर नहीं आए। क्वार्टर है जम्मू से तस्वीरें हैं, यहाँ पर टिकट को लेकर घमासान जारी और साफ तौर पर ये शंभ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोग यहाँ पर पहुंचे और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वहाँ से जनाब किसी लोकल कैंडिडेट को जो है वो टिकट मिलनी चाहिए। पिछले कल भी जो है वो रामनगर से कई सारी महिलाएं वहां पर जो है वो जम्मू यहां पर पहुंची थी, वो भी यही कार्य थी और लगातार इसी तरह के जो आंदोलन है वो जम्मू में इस समय यहां पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं है, यानी कि मीडिया के लिए जो है वो ये कहा गया कि मीडिया को इस दफ्तर में जो है वो बिल्कुल भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बोले लोगों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो बीजेपी के समर्थक हैं जो कि काफी देर से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के खिलाफ यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, उसे टिकट मिलना चाहिए थी, टिकट तो सुनना चाहिए, केंद्र वाला कोई आया नहीं, केंद्र वाला भी आया नहीं, नहीं मिलने किसको चाहिए? कोई भी आया सांबे सा, जिनको मिली, जिनको मिली आप उनसे खुश नहीं है? सांबे का कोई भी आएगा, केंद्र जाके जाके टिकट मिली दे रही जीव शर्मा ने, तो खुश नहीं हो? क्या 70 साल हो गए हैं हमें रगड़े खाते हुए, हमें कोई बंदा नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जो हमारे गांव का हो, बिल्कुल राइट। ऐसे बंदे से हमें 70 साल बीते हैं हमारे, हमें बार बार उन्हीं लोगों को कहना है, हमारे 85 पेड़ बार फेंके हैं इन लोगों ने, इन लोगों ने हमें, अब वो भी तो आप भी बीजेपी से? बीजेपी के? हाँ। कितनी देर से बीजेपी के साथ जुड़े? हाँ बस 70 साल हो गया है। 70 साल? हाँ, पक्के बढ़ गया, आज हमारे साथ बोल मिला ही हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी तक कोई बात करने के लिए नहीं आया आपसे यहाँ पे? हाँ, बात करने के लिए आया कोई यहाँ पे? कोई नहीं आया, हम आप नहीं बात करने नहीं आएगा, बात करने के लिए तो क्या करेंगे? महावीर जी बैठे रहेंगे, बात करेंगे, हमें बाहर का बंदा नहीं चाहिए, बाहर का बंदा। बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुँचे जो कि 70-70 साल से इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा नाम इस पार्टी का है,
लेकिन ये पार्टी अब कहीं ना कहीं इस पार्टी को जब इस तरह के विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहे, इसी पार्टी के लोग जब इसी पार्टी के खिलाफ हुए, तो उससे एक बड़ा नुकसान भी इस पार्टी को जो है वो यहाँ पर हो सकता है। आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें कि जिस तरह से बीजेपी ने जो है वो तमाम कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी की है और कई सारे कैंडिडेट्स जो कि नए चेहरे हैं उन्हें मैदान में उतार दिया है, लेकिन इस बीच कई सारे लोग हैं वो जो है वो इस लिस्ट से नाखुश हैं। बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लगातार ये हंगामा, अगर ये अभी तक बात करने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? हम अभी तक तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद अगर 15-20 मिनट के अंदर हमारे साथ बात नहीं करते हैं तो हम हल्ला करेंगे। कितनी देर से पार्टी के साथ जुड़े हैं? हम कोई 20 साल से जुड़े हैं पार्टी के साथ। तो राजीव शर्मा जी को टिकट मिली है, क्या आप उससे खुश नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, काबिल एमएलए के काबिल नहीं है। वो भी तो बीजेपी से, बीजेपी से है, मगर दूसरी काशी झांसी में क्यों आ गया हमारी काशी झांसी में? हमें नहीं चाहिए वो। आप जिनके लिए चाहते हैं कि उन्हें वहां से टिकट मिलनी चाहिए, लोकल अगर नहीं देते तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी हनूर वाली सीट भी हारेगी और शंप वाली भी हारेगी। वोट किसको देंगे? देखेंगे, दे देंगे जो अच्छा लगेगा, मगर इसको तो हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इनकी नहीं सुनी गई तो अखनूर वाली सीट तो क्या बल्कि शंप वाली लेते हैं। पार्टी आपस में बैठ के फैसला लेते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वे कराया, सर्वे के अंदर जो ज्यादा वोट मिले, जिसको मंडल प्रधान के जितने इन्होंने बूथ बनाए हैं सब ने उधर वोट डाले हैं, तो ज्यादा वोट जिनके हैं उनको बनाए। इसको तो 10 वोट भी नहीं मिले, 110 वोट पड़ा है शाम काशी जोंसी का, मगर इसको 10 वोट भी नहीं मिले, तो फिर भी इन्होंने कैंडिडेट हमारी ऊपर ये थोप दिया। क्या लगता है क्यों इनको टिकट दी गई होगी? होगा, पैसा पुसा लिया होगा और क्या है? बीजेपी पैसे थोड़ी देती है। लेती होगी, कैसे फिर देगी? क्या उसका वोट बैंक भी राष्ट्रवादी वोट बैंक भी नहीं है? नेशनल पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी अच्छा कर रहे हैं, मगर ये नहीं है, नीचे वाले खराब है, ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये पार्टी खत्म कर देंगे जम्मू में। ऐसा लगता है कि एक भी सीट नहीं निकालेंगे, जैसे प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाती। कल दूसरी भारत माता की। आप जिनके लिए यहाँ पर चाहते हैं कि लोकल किसी कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट मिलनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वोट किसको देंगे? हम वोट देने ही जाएंगे नहीं, वोट देंगे ही नहीं हम। अगर जीव शर्मा वहाँ पे आया, हमने उसका चेहरा नहीं देखा, हमारी उम्र भी 45-46 साल हो गई है, हमने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, हम उस बंदे को जानते नहीं है। जब हम बंदे को नहीं जानते तो वोट तो हमने देना है ना, जिताना किसने है? हम लोगों ने जिताना है। अगर पार्टी ने खड़ा करना होता तो अपनी मर्जी से कर देते उनको, हमारी राय क्यों लेते हैं, है ना? हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ते हैं? कोई भी बंदा आता है हमारे पास, आते हैं ना हमारे साथ, चलो वहां चलो, पार्टी का मसला है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है कैंडिडेट, सम कंजिजेंसी का होना चाहिए, चाहे अदर कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, मनमोहन सिंह है, नरेंद्र बाबू है, सुरेश जी है, का बड़ा नाम आ रहा था कि उन्हें वहां से टिकट दी जाएगी, लेकिन जो काम करेगा उसका नाम आएगा, हमारे साथ चलेगा, हम जानते हैं उसको, लोकल बंदा है, हमारे साथ दिन रात रहता है, कहीं भी उसकी जरूरत पड़ती है वो खड़ा उतरता है, हमारे कहने से चलता है, हमारी बात सुनता है, आगे लीडर तक बात पहुंचाता है। हम चाहते हैं कि हमारे कहने से राजीव शर्मा को सीट ना देकर हमारे संभ कंजेंसी के, क्योंकि 10 साल के बाद हमें मौका मिला है, अगर हमें नाराज रहेंगे तो पार्टी ने कहां से जीतना है? जीतना तो हमारे में से ही है ना, हम जिताएंगे, वोट देंगे, जब हम वोट देने नहीं जाएंगे तो कहां से जीतेगी पार्टी? सुनते हैं कि बीजेपी के ही जो सपोर्टर्स हैं वो इस समय बीजेपी के खिलाफ लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मांग सिर्फ यही है कि लोकल कोई अगर वहां का कैंडिडेट है, नरेंद्र बाबू जी का नाम यहां पर आ रहा है कि उन्हें जो है वहां पर टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नेता को वहां से टिकट दे दी है जिन्हें लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो आप जनता भी अपने अपने इलाके का जरूर बताएं, क्या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को क्या आपके भी एरिया में टिकट मिली है जिन्हें आपने कभी नहीं देखा हो? देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के प्रोफेसर अभिषेक के साथ, नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।